बुद्धिजीवी सम्मेलनों से प्रदेश भाजपा नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें बाद में मंडल स्तर पर ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता को नागरिकता कानून की पूरी जानकारी मिल सके। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हमीरपुर में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पंपलेट बांटकर भी नागरिकता कानून की वास्तविकता जनता तक पहुंचाएंगे। विपक्ष नागरिक कानून के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहा है। देश में अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस व विपक्षी दल जिम्मेदार हैं। विपक्षी दल जान माल की हानि पर उतर आए हैं। इसकी भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। सतपाल सत्ती ने कहा कि नागरिकता कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इकतीस दिसंबर तक हर जिला में ये सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके बाद भाजपा की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी, भाजपा की जिला व मंडल कार्यकारिणियों के गठन के बाद मंडल स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। लोगों को पर्चे बांट कर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भाजपा का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 27 दिसंबर 2019 को शिमला में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को इस रैली में जनता के समक्ष रखा जाएगा तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। रैली में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहेंगे। हमीरपुर में भाजपा जिला द्वारा नागरिकता बुद्धिजीवी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सभी नए मंडल अध्यक्षों को जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया और नए जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा को भी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भाजपा हमीरपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान नागरिकता कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि नागरिकता कानून अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, न कि अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक लोग जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें इस नागरिकता कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज विधायक कमलेश कुमारी, नादौन के पूर्व विधायक और HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, प्रदेश सचिव विजय पाल सिंह सोहारू, APMC चेयरमैन अजय शर्मा सहित हमीरपुर जिला के 5 मंडल अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस विधिवत रूप से लॉन्च हो गई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था द्वारा 3 जिलों के 75 महिला मंडलों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में 1221 भारतीय कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। संस्था महिलाओं को स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता कार्य करेंगे। हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 महिला मंडलों को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। महिला मंडलों के प्रधान व उप प्रधान को संस्था द्वारा शॉल व टोपी प्रदान की गई। संस्था के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय चौहान रहे। संस्था के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने कहा कि संस्था महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। स्वास्थ्य व
स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही संस्था का मुख्य कार्य रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व्यस्त जीवन के चलते अपने स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देती, यही कारण रहता है कि बीमारियां उन्हें अपनी चपेट में ले लेती हैं। महिलाओं को इन बीमारियों से बचने के तरीके तथा स्वच्छता का महत्व समझाया जाएगा। संस्था ने अपने कार्य के कुछ चरण निर्धारित किए हैं। चरणबद्ध तरीके से संस्था कार्य करेगी। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा।